आजमगढ़ निजामबाद विधानसभा के अंतर्गत टीकापुर में 40 लोगों को खाद्य सामग्री वितरण किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख इस्तार अहमद द्वारा किया गया। वहीं पर खैबरपुर में मानसून बर्फीले पत्थर गिरने से कई घरों का करकट टूट जाने पर पूर्व प्रमुख द्वारा उन लोगों को आर्थिक मदद की गई। तमीर आलम की रिपोर्ट। पॉलिटिक्स या राजनीति या वोट के नजरिए से ये नहीं हो रहा है, ठीक है। भगवान ने, अल्लाह ने हमको उस लायक बनाया था। ये आपका हिस्सा था, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हम दे भी नहीं रहे, हमारी औकात नहीं कब आपको दे दें। ये आपका हिस्सा था, क्योंकि मालिक जो पैदा किया है किसी को भूखे नहीं रहने देगा, तो कोई ना कोई इंतजाम बनाएगा। हम हमारे हाथों से हो रहा है, हमारी औकात नहीं है। जैसे आप लोग हो वैसे हम भी हैं। ये सब करने वाला ऊपर वाला कर रहा है। दूसरी बात, जिस बीमारी से आप गुजर रहे हो, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज आपके पास स्वयं है। उसका इलाज ये है कि दूरी बना के रहिए, बिना जरूरत के घर से मत निकलिए, और गर्म पानी से नहाइए और गर्म पानी का ही सेवन करिए। गर्म पानी अगर आप सेवन करते हैं वही उसका इलाज है, क्योंकि वायरस घुसता है 3 दिन इसमें रहता है गले में, 3 दिन के बाद अंदर जाता है, जाम कर देता है, आदमी मर जाता है। गर्म पानी का सेवन करेंगे आप तो उससे मुरझा के हाथ के अंदर चला जाएगा, हाथ की गर्मी से मर के बाहर चला जाएगा। और इलाज हमारे देश नहीं पूरे विश्व में नहीं है। और इसको जो मिल रहा है आपको, आज के हालात स्थिति परिस्थिति देख के भगवान ने, अल्लाह ने हमको उस लायक बनाया था, आप तक पहुंचा दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, बस आपका हिस्सा तक आप तो पहुँच गया। इसको अदरवाइज पॉलिटिक्स राजनीति या वोट के नज़रिए से मत देखिएगा, इनको इंसानी नज़रिए से देखिएगा। और गर्म पानी का सेवन करिएगा, यही बस हमारा, अपना ले जाइए बस। अरे तो हाथ ख्याल रख दीजिए, तो हम कहे तो उनके लिए जो है अगर मिला तब तू जा, ना मिला तो बताओ।